नमस्ते बच्चों, डीएवी मॉइल पब्लिक स्कूल ई लर्निंग क्लास में आपका स्वागत है। मैं आपकी हिंदी विषय अध्यापिका अंजलि राघोरते। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा दूसरी का पाठ 4 मेहनत का फल, इसे भाषा अभ्यास पुस्तिका में हल करने जा रहे हैं। तो आप जल्दी से अपनी भाषा अभ्यास पुस्तिका को खोलकर बैठ जाइए। आशा करती हूँ कि आज की जानकारी को आप एकाग्रता से श्रवण करेंगे और सभी प्रश्नों को भाषा अभ्यास पुस्तिका में हल कर लेंगे। तो आइए बच्चे, बढ़ते हैं पाठ 4 मेहनत का फल की ओर। बच्चों, सबसे पहले प्रश्न 1, इसे मैं समझा देती हूँ, फिर हम मिलकर इसे हल कर लेंगे। पाठ मेहनत का फल में आए शब्दों के विपरीत शब्द लिखिए। विपरीत शब्द पता है ना आपको? उल्टे शब्द। जो शब्द दिए हैं उसके बिल्कुल उल्टे विपरीत शब्द आपको यहाँ पर लिखना है। देखिए, मैं पढ़ती हूँ। क, आज, तो आज का उल्टा आपको यहाँ पर लिखना है। विपरीत शब्द आपको यहाँ लिखना है, जो खाली रेखा दी है उस पर। ख है बंद, ग सुबह, घ बहुत, अंग आते, च काटना, छ मेहनत, ज प्यार, झ साफ, और य शुरू। आइए हल करते हैं इसे। इस प्रकार से अब चलो मेरे साथ दोहराना है आपको। आज, कल, बंद, खुला, सुबह, शाम, बहुत, थोड़ा, आते, जाते, काटना, जोड़ना, मेहनत, आलस, प्यार, नफरत, साफ, मैला, शुरू, खत्म। चलिए अब जल्दी से लिखिए इसे। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। दिए गए वाक्यों में मोटे काले शब्दों के विपरीत शब्द खाली जगह में लिखकर वाक्य पूरे कीजिए। बच्चों, आपको कुल मिलाकर 5 वाक्य दिए गए हैं। इन वाक्यों को गौर से देखिए। हर वाक्य में एक ऐसा शब्द है जो मोटा और काला है। आपको करना क्या है? उस मोटे काले शब्द का विपरीत शब्द खाली जगह में लिखना है। इस प्रकार समझे? देखिए, तो पहला वाक्य, पेड़ बड़ा होता है, यानी बड़ा यह मोटा और काला शब्द है। इसका विपरीत शब्द हमने खाली जगह में लिख दिया। तो अगला वाक्य बना, पौधा छोटा होता है ना? समझ गया? आइए बारी बारी सभी वाक्यों को पढ़ते हैं। ख, चाय गर्म होती है, बर्फ ठंडी होती है। ग, अच्छा बच्चा सबको प्यारा लगता है, बुरा बच्चा नहीं। घ, खरगोश सफेद होता है, कौवा काला होता है। अंग, न कोई किसी का मित्र है, न कोई किसी का शत्रु। आप इसे गौर से देखिए और एक बार इसे समझ लीजिए। पहले वाक्य में बड़ा का विपरीत शब्द है छोटा, दूसरे वाक्य में गर्म का विपरीत शब्द है ठंडी, तीसरे वाक्य में अच्छा का विपरीत शब्द है बुरा, चौथे वाक्य में सफेद का विपरीत शब्द है काला, और आखिरी अंग इस वाक्य में मित्र का विपरीत शब्द है शत्रु। समझा? आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3, नीचे दिए गए शब्दों के शुद्ध रूप लिखिए। बच्चों, यहाँ पर आपको जो शब्द दिए गए हैं
वे कहीं ना कहीं गलत प्रकार से लिखे गए हैं। आपको करना क्या है, इसे पढ़ना है। पढ़ते समय आपको समझ में आ जाएगा कि इन शब्दों में किस प्रकार की गलतियाँ हुई है। बस आपको करना क्या है, उसे सही करना है। आइए देखते हैं। इस प्रकार समझा, क है झाड़ियाँ। यहाँ पर गलती ये हुई है कि अड़ में बड़ी ई की मात्रा दी है, जबकि चाहिए थी छोटी ई की मात्रा। ये सभी पाठ के अंदर के ही शब्द है। ख शब्द देखिए, ककड़। अब ककड़ न लिखते हुए हमने क्या लिखा, कंकड़। ग तालियां। अब तालियां के ल में बड़ी की मात्रा दी है, जबकि वह गलत है, तो हमने क्या किया, ल में छोटी की मात्रा लगाई, जिससे इसका उच्चारण हुआ तालियां। घ शब्द है, प्रश्न वाला देखिए, घ शब्द शुरू। अब ये शुरू है, लेकिन इसका उच्चारण तो रू का दीर्घ आना चाहिए, तो प्रश्न में शुरू के रू में छोटी ऊ की मात्रा लगाई है र में, जबकि उत्तर में हमने लगाई ऊ की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा, जिससे इसका उच्चारण हुआ शुरू। अंग देखिए, मैदान। मैदान तो नहीं कहते, क्या कहते हैं, मैदान। देखिए उत्तर में हमने लिखा है मैदान। और अगला है च, पहुंचते। हमें चंद्रबिंदु नहीं लगा है, जबकि वहां पर चंद्रबिंदु चाहिए था, तो हमने जब चंद्रबिंदु लगाया तब ये शब्द कुछ इस प्रकार बना और इसका उच्चारण इस प्रकार हुआ, पहुंचते। ठीक है बच्चों, इसे जल्दी से हल कर लीजिए। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न चार, नीचे दिए गए वाक्यों में नाम वाले शब्दों पर गोला लगाइए। बच्चों आपको इस पूरे वाक्यों को, छोटे से अनुच्छेद को पढ़ना है, और इसमें से जो भी शब्द नाम वाले हैं, किसी व्यक्ति के नाम, किसी वस्तु के नाम, या किसी जगह का भी अगर इसमें नाम आया होगा, तो वह क्या है, नाम वाले शब्द। आपको यहाँ उन्हें, उन पर गोला लगाना है। सबसे पहले आइए इसे पढ़ लेते हैं, आप मेरे पीछे पीछे बोलेंगे, ठीक है। नवीन, आलोक, रमा, राधा स्कूल जा रहे हैं। किशोर अपने छोटे भाई सोनू का हाथ पकड़कर सड़क पार कर रहा है। सोनू के कंधे से उसका बस्ता गिर गया। सोनू की किताबें और कॉपियां बिखर गई। पेंसिल और पेन उछलकर दूर जा गिरे। आइए बच्चों, इस अनुच्छेद में इन वाक्यों में से नाम वाले शब्दों पर हम गोला लगाते हैं इस प्रकार। अब मैंने यहाँ गोला न लगाते हुए उसे रंगीन बना दिया। आप अपनी भाषा अभ्यास पुस्तिका में गोला लगाइएगा। देखिए तो नाम वाले शब्द, चलिए आप मेरे साथ दोहराइए, नवीन, आलोक, रमा, राधा स्कूल, किशोर, सोनू, हाथ, कंधे, बस्ता, किताबें, कॉपियां, पेंसिल, पेन। समझा, आइए अब आगे बढ़ते हैं। पाठ मेहनत का फल में आए नामों के अतिरिक्त किन्हीं चार लड़कों और चार लड़कियों के नाम लिखिए। बच्चों यह प्रश्न आपके अभ्यास के लिए है, इसे आपने स्वयं हल करना है। चार लड़कों के नाम और चार लड़कियों के नाम, आपकी सहेलियां होगी कोई, कोई आपके मित्र होंगे, कोई आपके पास पड़ोस में रहते होंगे, या फिर कोई आपके भाई बहन होंगे, उनके नाम आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। आइए अब आगे देखते हैं। बच्चों यह प्रश्न भी आपके अभ्यास के लिए है, इस प्रश्न की जानकारी
आप हासिल करेंगे और यहाँ पर जो खाली जगह दिख रही है वहाँ लिख लेंगे। क है मेरे स्कूल की के मुख्य अध्यापक या मुख्य अध्यापिका का नाम खाली स्थान है। आपकी जो मुख्य अध्यापिका है ना, आपके प्रिंसिपल मैडम, उनका नाम आप यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद मेरी मेरे कक्षा अध्यापिका या अध्यापक का नाम खाली स्थान है। जो भी आपकी कक्षा अध्यापिका है, क्लास टीचर है, उनका नाम आप यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद है मेरे स्कूल का नाम खाली स्थान है। बच्चों, आप यहाँ पर अपनी पाठशाला का नाम लिखेंगे। आसान सा है सवाल, जल्दी पूरा कर लीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। बच्चों, प्रश्न 7 भी आप ही करेंगे। क्या है देखिए तो, आप कौन कौन से खेल मैदान में खेलते हैं, किन्हीं 3 खेलों के नाम लिखिए। जो भी आपके पसंद के खेल है, जिसे आप हमेशा खेलते हैं, ऐसे 3 खेलों के नाम आप यहाँ लिखेंगे। अब आगे आज के इस पाठ का कार्यकलाप, 5 वाक्यों में अपना परिचय लिखिए। आपको अपने बारे में कुल मिला के 5 वाक्य लिखने हैं। अब क्या लिखना है यहाँ पर, तो पहले आपका नाम, आप कहाँ रहते हैं, आपकी उम्र क्या है, आपकी पाठशाला का नाम क्या है, आप कौन सी कक्षा में हैं। इसी के साथ क्या लिखेंगे, आपकी पसंद और आपकी नापसंद। इस तरह से आप अपना परिचय पूरा कर सकते हैं। अब आगे नीचे दिए गए शब्दों के समान लय वाले शब्द चुनकर लिखिए। बच्चों, यहाँ पर एक बादल नुमा आकृति बनी है, इसमें कुछ शब्द दिए गए हैं। यह शब्द आपके जवाब है। नीचे देखिए, कुल मिलाकर 6 शब्द दिए हैं, खेल, कंधा, कांटा, ढेर, कोने, बज। आपको इनके सामने बिल्कुल इन्हीं के जैसे, जिनका अंतिम वर्ण एक जैसा है और जिनकी ध्वनियां एक जैसी है, ऐसे समान लय वाले शब्द लिखने हैं चुनकर। आइए इसे हम मिलकर हल करते हैं। आप जरा सोचिए तो। इस प्रकार से अब आप मेरे साथ दोहराएंगे, खेल रेल, कंधा अंधा, कांटा बांटा, ढेर बेर, कोने रोने, बज सज। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। दिए गए शब्दों के जोड़े बनाइए। एक जोड़ी मैंने यहाँ पहले से ही बना ली है, जैसे काले बादल। आपको बाकी के शब्दों की जोड़ियां बनानी है। इस प्रकार आइए दोहराइए मेरे साथ, काले बादल, ठंडी हवा, सुंदर फूल, हरी घास, पीली बतख और सफेद, माफ कीजिएगा, पीली सरसों और सफेद बतख। समझ में आया, है ना आसान? सारे प्रश्न आपको समझ गए ना बच्चों? तो फिर जल्दी से जल्दी इन सभी प्रश्नों को अपनी भाषा अभ्यास पुस्तिका में हल कर लीजिए। मुझे विश्वास है कि आप जल्दी ही भाषा अभ्यास का यह पाठ हल कर लेंगे। इसी आशा के साथ फिर मिलेंगे अगली ई कक्षा में। तब तक के लिए धन्यवाद।